जी हां, तो मध्य प्रदेश में 15 साल से लगातार हार का तीखा जायका चख रही कांग्रेस को राहुल गांधी के दौरे ने सियासी संजीवनी दे दी है। मंदिर मस्जिद में मत्था टेकने के बाद राहुल गांधी ने गुरुद्वारा दर्शन से सिख समुदाय को साधने की कोशिश की है, ताकि पार्टी के दामन पर लगे सिख दंगे का दाग धुल सके और विधानसभा से लोकसभा तक सिख समुदाय पंजे के पाले में आ जाए। पहले दतिया के पीताम्बरा पीठ में पूजा अर्चना, और फिर ग्वालियर के मस्जिद में सजदा। मध्य प्रदेश में अपने सिपह सालारों कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ग्वालियर चंबल अंचल में राहुल गांधी का ये भक्त रूप बीजेपी को अखर गया। देखिए, जब भी चुनाव आता है तो राहुल गांधी जी को मंदिर की याद आती है, फिर वो वहाँ धार्मिक स्थानों पे ही यात्रा करने लगते हैं, और जनता से मिलने की जगह उनको मंदिर मस्जिद की याद ज्यादा आती है, क्योंकि चुनाव को वो धार्मिक आधार पे ले जाना चाहते हैं। सियासी आलोचनाओं से बेपरवाह कांग्रेस अध्यक्ष मंदिर और मस्जिद के बाद ग्वालियर के दाता बंद छोड़ साहिब गुरुद्वारा भी पहुंच गए। कमलनाथ और सिंधिया के साथ यहां भी राहुल गांधी ने मत्था टेका और सिख समुदाय की ओर से बतौर भेंट तलवार कबूल की। ग्वालियर में सिख समुदाय के लोगों की बड़ी तादाद है और उनका दिल जीतने की खातिर ही राहुल ने गुरुद्वारा दर्शन किया है। बीते अगस्त में अपने लंदन दौरे के दौरान उन्होंने सिख दंगे में कांग्रेस की भूमिका से इनकार किया था। How you feel about the riots, the anti-Sikh riots? I think when Mr. Manmohan Singh spoke, he spoke for all of us. As I said earlier, I'm a victim of violence and I understand what it feels like. So I am against any sort of violence against anybody. किसी जमाने में कांग्रेस और सिंधिया का गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल अंचल में बीते चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं। 2013 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 20 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को महज 12 से ही संतोष करना पड़ा था। बाकी दो सीटें बीएसपी ने हथिया ली थी। 2008 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस की हालत थोड़ी बेहतर जरूर थी, लेकिन बीजेपी के मुकाबले वो बेहद कमजोर रही। इस इलाके की 34 सीटों में से बीजेपी ने 16 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि कांग्रेस को 13 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। बीएसपी ने क्षेत्र की 4 सीटों पर कब्जा जमा लिया था, तो एक सीट बीजेएसपी के खाते में गई थी। साफ है कि चुनाव दर चुनाव कांग्रेस की हालत इस क्षेत्र में खस्ता हो रही है, और गुरुद्वारा दर्शन के जरिए राहुल गांधी इस क्षेत्र में पार्टी की सूरत बदलना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी राहुल गांधी से 84 के दंगों पर माफी की मांग कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को गोधरा की याद दिला रही है। मुझे ये लग रहा है कि गुरुद्वारा जाने से पहले 1984 में जो सिख हैं, जो उस परंपरा को, उस पंथ को मानते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया कांग्रेस के लोगों ने, वो पहले बता के तब वहां कदम रखना चाहिए, तब मुझे लग रहा है कि वो उचित होगा। भाजपा ने गोधरा का 2002 का जवाब दिया क्या? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कितने लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार साबित हुए थे, अमित शाह जी किसी हत्या के लिए जेल तक की स्थिति बन चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट से तड़ी पार कर दिया गया था, इन्होंने आज तक हिसाब दिया गया, माफी मांगी गया, इस तरह की बातें करके जनता को गुमराह करने से कोई मतलब नहीं है। ग्वालियर में राहुल गांधी ने माधव राव सिंधिया की छतरी पर श्रद्धांजलि दी, तो साथ ही रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। इलाके में एक पोस्टर भी दिखा जिसमें राहुल गांधी श्री कृष्ण के रूप में दिखे, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया अर्जुन के रूप में नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही गुरुद्वारा दर्शन की, जिसमें राहुल के कई मकसद छिपे थे। मध्य प्रदेश में सिख समुदाय की आबादी 1.5 लाख के करीब है और बीजेपी सिख समाज को अपना वोटर मानती है। इंदौर के बाद सिखों की सबसे ज्यादा आबादी ग्वालियर में है और फिलहाल सिख बहुल सीटें बीजेपी के कब्जे में है। राहुल गांधी सिख समाज के समर्थन से मध्य प्रदेश में 15 साल के सत्ता का सूखा खत्म करना चाहते हैं, तो लगे हाथ कांग्रेस की सिख विरोधी छवि को भी खत्म कर 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका लाभ लेना चाहते हैं। साफ है कि राहुल गांधी एक तीर से कई निशाने साधना चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या गुरुद्वारा दर्शन से सिख दंगे के दाग धुल जाएंगे। ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह भदौरिया, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।